हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम तुरपाई करने का तरीका बताएंगे। तुरपाई करने के लिए सबसे पहले हम जो कपड़ा होता है उसे हमें जितना भी मोड़ना हो उस हिसाब से हम मोड़ लेंगे, और मोड़ कर उस कपड़े को मोड़कर हम कच्ची सिलाई कर लेंगे या फिर हम उस पर प्रेस कर लेंगे। अब हमने ये कच्ची सिलाई कर ली है, अब हम सुई में धागा पिरो लेंगे। ये हमने पिरो लिया है। मैंने ये अलग कलर का धागा इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसमें धागा पिरोने के बाद हम इसमें गांठ लगा लेंगे और हम इसको इस तरह से शुरू करेंगे। नीचे से बिल्कुल छोटी जो है टेप हम लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसको सुई को चलाते जाएंगे। नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लेंगे और दोबारा से फिर इस तरह से लेंगे। इस तरह से दो टेप, तीन टेप, जितनी भी आप एक साथ ले सकें, या आप बिगिनर्स हैं तो एक एक टेप भी एक साथ ले सकते हैं। ये इस तरह से हमारी तुरपाई होती जाएगी। इस तरह से हम और फिर इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे और इसको अच्छे से इस तरह से कर देंगे। इस तरह से हमारी ये तुरपाई बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और इस तुरपाई को करने के बाद हम इस ये जो कच्ची सिलाई है इसको खोल देंगे। इस तरह से आप कितने भी लंबे कपड़े पर तुरपाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि नीचे से बिल्कुल छोटी टेप ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा, ताकि नीचे दिखे ना सुई का धागा। इस तरह से हम इसको जो है ये देखिए, इस तरह से आप भी आसानी से तुरपाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसको इस तरह से गांठ लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। अब हमने ये जो कच्ची सिलाई थी वो उधेड़ ली है और अब हमारी ये तुरपाई बिल्कुल सही तरीके से हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी नई मेरी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।